दोस्तों, आज 9 जनवरी हो चुकी है और आज कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत को वापस लौटे थे। इसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और 9 जनवरी के कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद ही प्रवासी भारतीय दिवस PPD कन्वेंशन भी आयोजित किया जाता है। वैसे इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2003 में, 2003 से लेकर 2015 तक इसे प्रति वर्ष मनाया जाता था, लेकिन इसके बाद से 2015 के बाद से इसे हर 2 साल में एक बार ही मनाया जाता है। लाइक 2015 के बाद इसे मनाया गया 2017 में, देन 2019, देन 2021। 21 में इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। वैसे ऑक्सफोर्ड का 2020 का हिंदी शब्द भी आत्मनिर्भरता रहा था। और इनके जो मुख्य अतिथि थे वो कौन रहे थे 2021 में? तो सुरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद रस्तोगी। यह मुख्य अतिथि उसी व्यक्ति को रखा जाता है, उसी व्यक्ति को इनवाइट किया जाता है जो कि भारतीय प्रवासी होते हुए अन्य किसी देश में उच्च पद पर कार्यरत हो या कार्य कर चुके होते हैं। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।